ठंडी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी महसूस हो रही है हमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों तरफ जंगल टाइप का लग रहा है हमें, और यहाँ पे दूर दूर तक कोई शहर नहीं है। अंजलि, अपन को तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। वाह, व्हाट अ वंडरफुल लाइटिंग। तो हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? दोस्तों, आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज अंजलि मैडम थोड़ी सी ठीक हो गई है पहले से, और देखिए अंजलि भी अभी नहीं, बहुत ज्यादा मैं ठीक, बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा मैं ठीक, हाँ सही में बहुत ज्यादा ठीक हो गई है, और अंजलि आज स्वस्थ हो रही है, मुझे लग रहा है काफी अच्छी बात है। आप लोगों की दुआएं ना काम आई कि अंजलि स्वस्थ हो रही है, ठीक हो रही है इनका तबीयत। और जो टाइफाइड था, पूरा टाइफाइड कैसा है? वो ठीक हो गया, मतलब बुखार उखार नहीं आ रहा था। हाँ, टाइफाइड जो था, टाइफाइड ठीक हो गया, बुखार नहीं आ रहा है, और ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए और हमारे एसीपी फैमिली के लिए। तू भी कर सकता है, तो चलो दिखाओ, करके दिखाओ, तुम भी करके दिखाओ, देखो देखो, अरे 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 अरे, ठीक से दिखाओ, फिर से ये लड़का बोल रहा है ना कि मैं भी कर सकता हूँ, चलो फिर से देखो, अरे करो कैसा लगा करके बोलो? अच्छा लगा। हाँ, रेडी, अरे उधर गिरेगा, हो गया उधर गिरेगा, हो गया, रहने दो। तो मैडम हम चले, पता है जैसे मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ ना, ऐसे अंजलि टेस्ट, मैं ना आपका ना इंतजार कर रही थी कि आप कब आओगे। जब मैं आपको यहाँ पे देखी ना, तब मैं सोच रही थी चलो आपके साथ घूमने चले जाते हैं, बहुत दिन से नहीं जाए, बहुत दिन से नहीं, और फिर बहुत दिन से वीडियो भी नहीं आ रहा। और जैसे ही मैं नीचे आया ना बाइक लेकर के, अंजलि एकदम ऊपर के नीचे चली गई है और मुझे बोली वहीं से चलो वापस। मैं बोला यार कम से कम कैमरा तो ले लूँ, तब तो जाऊँगा मैं। ऑल राइट गाइस, अपन निकल गए मुजफ्फरपुर के सड़कों पे, और आज अपन पहली बार अंजलि को घर से बाहर ले जा रहे हैं घुमाने के लिए टाइफाइड होने के बाद। और अभी अपन जा रहे हैं मुजफ्फरपुर से बाहर, यानी कि मुजफ्फरपुर का जो टाउन है, शहर है, उससे बाहर, ताकि अंजलि को कुछ फ्रेश साफ साफ हवा लग सके। और अभी अपन है यहाँ पे भगवानपुर के आसपास, और भगवानपुर से अपन चले गए आगे सीधे। वाह, व्हाट अ वंडर, हमारे नीचे है भगवानपुर का हाईवे, और अपन जा रहे हैं भगवानपुर के हाईवे के ऊपर से, फ्लाईओवर के ऊपर से, और ये जो सड़क है भाई चले जाते हैं सीधे रेवर रोड की तरफ, और अपन को भी आज उधर ही जाना है घूमने के लिए मुजफ्फरपुर शहर से बाहर। ऑल राइट दोस्तों, अभी अपन यहाँ पे भगवानपुर में है, और सामने में यहाँ पे देखिए टोल रोड यहाँ से प्रारंभ हो रही है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में, छपरा यहाँ से 74 किलोमीटर है, रेवा घाट 37 किलोमीटर है, और यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक जाम है, और सिवान यहाँ से 107 किलोमीटर है, जो कि सामने में अपन जाएंगे सीधे तो इन सारे डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे, और छपटा यहाँ से 74 किलोमीटर मात्र है। ऑल राइट दोस्तों, यहाँ पे अपन आ गए हैं रिवर रोड में, और यहाँ से और आगे पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हमें दिख ही रहा है, देख ही रहे हैं कि आप आसपास में कितना भीड़ है, बहुत सारा दुकान है, बहुत सारा बिल्डिंग है, बहुत सारा गाड़ियाँ हैं। क्या बोले अंजलि, ये देखो ये आरसीएफ का डिपो है। क्या बोली? नहीं, अभी फिर भी देखो गाड़ी सड़क पे आ ही रही है ना। नहीं, साइड में नहीं, ये खुला जगह नहीं है, ठीक है, ये सड़क है, यहाँ पे बाइक में चलो, ठीक है। अभी तो मेरा तबीयत ठीक हुआ है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। हाँ मुझे पता है कब से बोल लिया, लेकिन यहाँ तो मेरा भी तबीयत खराब हो गया था, टाइफाइड हो गया था, और अभी तो ठीक हुआ है, और अभी तो बाइक चलाएगी। अरे यार इतना गुस्सा मत करो ना प्लीज यार, प्लीज। दोस्तों अभी का अपडेट ये है ना कि जैसे जैसे मैं शहर से बाहर आया हूँ ना, वैसे वैसे ठंडी हवा बह रही है, ठंडी हवा लग रही है, ठंडी महसूस हो रही है हमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों तरफ जंगल टाइप का लग रहा है हमें, और यहाँ पे दूर दूर तक कोई शहर नहीं है। यहाँ पे देखो कोई फैक्ट्री लग रहा है, अच्छा यूनिक फूड्स का यहाँ पे फैक्ट्री है भाई, देखो अपने मुजफ्फरपुर में भी यूनिक फूड का फैक्ट्री है ना। और देखिए सामने से जो गाड़ियाँ आ रही है ना, गाड़ियों का जब लाइट है, हेडलाइट है, जो सामने से मेरे हेलमेट पे आ रहे थे, लाइट मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था। जब भी आप कहीं हेलमेट खरीदते हो ना, तो हेलमेट आप ऐसा खरीदो जो कि जिस पर लाइट सामने से आ पड़े ना तो रिफ्लेक्ट ना करे,
वरना भाई गाड़ी चलाने में बहुत ही दिक्कत होती है। और अपन अभी वेदर को ओपन भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कीड़ा सामने से पड़ रहा है हमें, इसलिए अपन वेदर को गिराए हुए हैं, नीचे किए हुए हैं। और जैसे ही गाड़ियाँ सामने से आती है, लाइट सामने से पड़ती है हेलमेट के ऊपर, शीशे के ऊपर, तो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। और भाई अभी अपन आ गए हैं बाजीतपुर। आप लोग सुने होंगे नाम, जैसे आप मुजफ्फरपुर से होंगे तो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पर जाए, तुम देना साथ मेरा ओम नवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओम नवा। अंजलि, लगता है ये कोई मैदान लग रहा है ना? अरे मैदान नहीं, मुझे लगता है कि कब्र का है ये। हाँ, ओ चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओम नवा, तुम देना साथ मेरा ओम नवा। वाह, कैसा लगा अंजलि? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई रेलवे क्रॉसिंग टाइप का अंजलि है, ठीक है। अपना आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे जो भी है भाई, यहाँ पे ओवरब्रिज लग रहा है कि बनने वाला था बट बना नहीं है। और जो ऊपर में जो सिलेंडर रखा हुआ है ना, काफ़ी डेंजर है भाई, कभी वो गिर सकता है। टूटने गया है ये, बनने से पहले ही रुक गया उसका प्रोजेक्ट है ना, वैसा लग रहा है मुझे। और दिस इज NH 722, ये NH 722 है जिसमें अपन राइडिंग कर रहे हैं अभी। और यहाँ से अपन को शायद वापस चला जाना चाहिए क्योंकि अपन बहुत दूर आ गए हैं, बहुत दूर। अच्छा अंजलि, यहाँ पर ना एक नदी है, ठीक है, नदी ने एक नहर, इसीलिए यहाँ पे ऐसे सिलेंडर दिया हुआ था। नहर पे जो है ना बहुत ही पुराना ये पुल है। हाँ, ये नहर, पता नहीं ये कौन सा नहर है। और आप लोगों को पता है कि ये कौन सा नहर था, हमें बताइए आप जरूर कमेंट करके। ये है NH 722 और अपन मुजफ्फरपुर से छपरा जाने वाले रोड में अभी है। अपन आ गए पकड़ी चौक। सकरी आ गए? नहीं सकरी नहीं, पकड़ी चौक है पकड़ी। यहाँ से अपन देखते हैं कि कितना किलोमीटर यहाँ से मुजफ्फरपुर वापस हमें जाना पड़ेगा। जलेबी मत खाओ। जलेबी नहीं मना किया है। नहीं जलेबी मत खाओ, ठीक है। जलेबी खाने हमको खाना यार। नहीं जलेबी मत खाओ यार, बाहर का भी कुछ भी नहीं है। क्या? बहुत मुश्किल से इस मुसीबत से निकले हैं। ऑल राइट दोस्तों, यहाँ पे अपन आ गए पकड़ी। और पकड़ी में यहाँ पे देखिए सुपर बाजार भी है, जो कि यहाँ पे देखिए सामने में बोर्ड लगा हुआ है। और अंजलि को आई थिंक काफी अच्छा लग रहा है। और अभी अंजलि बता रही थी कि हमें काफी अच्छा लग रहा है अभी बाहर आकर घूम फिर करके, क्योंकि अंजलि बहुत दिनों से लगभग एक सप्ताह से बाहर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि आपको पता ही है कि इनको टाइफाइड हो गया था, जो कि काफी अच्छी बात है कि अभी इनको टाइफाइड ठीक हो गया है। और पहला दिन अंजलि हमारे साथ वापस आई है बाहर। ऑल राइट गाइस, अपन निकल रहे हैं यहाँ से सीधे भगवानपुर के लिए। दोस्तों अपन भगवानपुर पहुंच गए हैं और यहाँ पे अपन नीचे से जा रहे हैं और चलेंगे सीधे भगवानपुर गोलंबर के पास, और वहाँ से अपन लेंगे राइट और जाएंगे गोबरसाही से अपन जाएंगे सीधे चक्कर मैदान होते हुए थाता चौक। भाई इसी गोलंबर का बात कर रहे थे अपन, और ये है भाई भगवानपुर का गोलंबर। और यहाँ से अपन राइट लेंगे, इससे पहले आपको यहाँ पे सावधानी बरतना पड़ेगा क्योंकि ये हाईवे है और आप देख ही देंगे कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे गुजर रही है। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए लंबी लाइन गाड़ियों का लगा हुआ है। यहाँ से अपन निकल रहे हैं किसी भी तरीके से। अंजलि, अपन को तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, इतना लंबा जाम लगा हुआ है। ऑल राइट अंजलि, ये हैबे, ठीक है। यहाँ पे सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए ठीक से अच्छे से बैठो गाड़ी पे, इधर उधर मत देखो, ठीक है। सामने ध्यान रखो, सामने गाड़ी चलाने पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। अच्छा ओके, ये तो ऐसे बोलिए ना जैसे फौजी मैं बोलता हूँ ना, यस सर ऐसे। वाह, व्हाट अ वंडरफुल लाइटिंग। हाँ चाइनीज है भाई, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने देश की भलाई के लिए जो है ना चाइनीज जो प्रोडक्ट है, चाहे वो लच्छा हो चाहे वो ढालन हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसको कम से कम यूज करने का प्रयास कीजिए, यथासंभव आप उसको ओवर कम कीजिए। और हो सके तो आप उसको यूज करना बंद कर दीजिए यदि आपको उसके बिना बन जाता है तो। और यहाँ पर आ गए गोबरसाही और यहाँ से अपन लेते हैं लेफ्ट। ये है गोबरसाही, बट यहाँ पे आपको अंजलि कहीं गोबर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या करना है
जिस तरीके से कहेंगे यहाँ पे हम छाता चौक, बट वहाँ पे कुछ छाता नहीं मिलेगा आपको, ऐसे ही एक गोबर साई है और आपको यहाँ पे गोबर नहीं मिलेगा। ओ ओ, और यहाँ पे भाई है मुजफ्फरपुर का आर्मी हेडक्वार्टर लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे गाड़ियाँ है और पुलिस की भी गाड़ियाँ हैं। यहाँ से गाड़ी बाइक होटी शायद, यहाँ से गाड़ी बाइक होटी शायद। वाह क्या बात है, अंजलि का दिमाग कितना चल रहा है पता है, जैसे पुलिस वाला यहाँ से क्रॉस किया ना, अंजलि बोली वाह क्या बात है, थंबनेल के लिए मिल गया ऐसे यहाँ पे। अंजलि भी अब सीख रही है ब्लॉगिंग करना। भाई ये वाला है चक्कर मैदान, और सामने में जो आप देख रहे हैं काफी अच्छा बिल्डिंग बना है, जो कि आपको मैं एक पिक्चर वीडियो में भी दिखाया हुआ था एक वीडियो में। देखो अंजलि कितना अच्छा लग रहा है लाइटिंग बाहर से जैसी बिल्डिंग, क्योंकि ये बिल्डिंग नया बना है ना और काफी सुंदर लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है। अंजलि अरे यहाँ तो पानी है, कहाँ फंस गए? अरे भाई यहाँ पे पानी कैसे आ गया? अंजलि ठीक से पकड़ना, ठीक से, ठीक है, सही से पकड़ो, सही से पकड़ो, सही से। अरे रे अरे रे बच गए। अरे पैर रोकना पड़ जाए, पैर रोकना ना पड़ जाए यार, अभी पानी यहाँ पे कैसे आ गया? ओह माय गॉड, वैसे भी मैं सूट पहना हुआ था और भयंकर तरीके से मैं पानी में फंसने वाला था। क्या बोले, ये GoPro कैमरा एक्शन कैमरा है, इसे मोटो ब्लॉगिंग करते हैं हम, YouTube पर वीडियो बनाते हैं हम, उसके लिए यूज करते हैं। ऑल लाइट यहाँ पे अपन सारा सामान ले लिए हैं और चल रहे अपन सीधे घर। दोस्तों रात में अपन घर आ गए थे और आज का जो मॉर्निंग है काफी अच्छा हुआ है, बट इस वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलता है एक नए वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ, के लिए एज ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट। जय हिंद, वंदे मातरम।